हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट मैच जो खेला जाएगा सैडन पार्क पे। तो स्टूडियो में आपको बताऊंगा हेड टू हेड मैचेस में क्या होता है, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तो क्या सामने निकल कर आता है, जब इस वेन्यू के ऊपर मैचेस हुए सैडन पार्क पे तो कौन से प्लेयर्स और परफॉर्मेंस देके आते हैं, आपको अपनी ड्रीम इलेवन टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाना है, और आखिर के अंदर आपको बताऊंगा प्लेयर बैटल और यहाँ पर प्लेयर का रिसेंट फॉर्म कैसा है। प्लस यहाँ पर अपन बात करेंगे प्रैक्टिस मैचेस के अंदर कैसा परफॉर्मेंस आता प्लेयर का। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, आपको मजा आ जाएगा। आप वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है। तो आपको सबसे पहले बताऊंगा ये मैच सैडन पार्क हैमिल्टन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 3:30 बजे स्टार्ट होगा। तो वैसे आपको करना कुछ नहीं है, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है क्योंकि यहाँ पे लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है फाइनल टीम्स आएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने टेलीग्राम के अंदर जाना है, वहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है @StatsGuruji। तो आप जैसे ही सर्च करते हो एक चैनल मिल जाएगी जिसके अंदर आपको करेंटली 49,000 प्लस सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे स्टैट्स गुरुजी का लोगो दिख जाएगा, आपको नीचे ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूँगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं रिपीट करता हूँ, आपको ध्यान से जुड़ना है जिसके अंदर 49,000 सब्सक्राइबर्स रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फेक चैनल्स बनी हुई है। जैसे आप देख रहे हो पहले नंबर पर तो एक और फेक चैनल पड़ी हुई है, ये फेक चैनल है। तो आपको दोस्तों से जुड़ना है, इसके अंदर ऐसे लिखा रहेगा @StatsGuruji, इसके अंदर देखो गुरुजी के बाद IZ लिखा हुआ है, तो फेक चैनल है, आपको ध्यान से जुड़ना है। जागो ग्राहक जागो, सीधी सीधी बात है। यहां पे बात है किसकी, पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों बहुत शानदार पिच रिपोर्ट है यहां पे, क्या है दोस्तों पे पिच के अंदर जो पिच रहने वाली है ना, न्यूट्रल पिच रहेगी, साधारण सी बात होगी। आप मेरी वीडियो को देखते हो, स्पेशल चीजों के लिए अपन यहाँ पे मसालेदार चीजें लाते हैं। तो आप देखो क्या हो रहा है, जो बैटिंग पिच मैं कह सकता हूँ उसको रहने वाली है, ठीक है। क्यों, अभी आपको मैं फोटोज दिखाऊंगा कुछ, आपको क्या ही पीछे दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बॉल बैट के ऊपर इजीली आएगी, अच्छा बाउंस मिलेगा, और यहाँ पे पेसर्स को अच्छी खासी मदद मिलेगी। स्पिनर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं कह सकता हूँ ना के बराबर यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और यहाँ पे रन पर विकेट मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक बैट्समैन कितना रन बनाया जाता है यहाँ पे एवरेजली 32, तो भी ठीक ठाक है। एवरेज पर आपको करीबन यहाँ पे 350-450 बनता दिखेगा हर एक पारी के अंदर। तो आप सोचो यहाँ पे कितने रन बनेंगे, अच्छे खासे रन बनेंगे यहाँ पे। और अब आपको मैं दिखाऊंगा पिच कैसी रहने वाली है। तो आपको मैं सबसे पहले ग्राउंड के ऊपर लेके चलता हूँ, ये ग्राउंड है ठीक है, अभी एक दो दिन पहले की फोटो है मेरे हिसाब से, आज की फोटो है सही बताऊँ तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पिच है, ये अपना आपको बता रहेगा साइड स्क्रीन रहती है सामने जो प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्शन ना देने के लिए रखी जाती है। तो आप देखो यहाँ पे कि जो लोग बात तो कह रहे थे भाई पिच कहाँ पर है, तो आप देखो पिच लग रही है आपको, ये पिच दोस्तों ऐसी एकदम हरी भरी पिच है, पूरी की पूरी इस पर घास उड़ी हुई है। इसका मतलब क्या होता है, जो लोग क्रिकेट को दिल से फॉलो करते हैं उनको पता रहेगा। सबसे पहले आप ये फोटो देख लो, अब आपको मैं दूसरी फोटो दिखाता हूँ ठीक है। यहाँ से ये फोटो है पिच की रेगुलर, ये पिच देखो आप कैसी है, पूरी एकदम यहाँ पे घास उड़ी हुई है पिच के ऊपर, ठीक है ना, पहली चीज़ हो गई। और यहाँ पर बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया सरफेस रहेगा, और यहाँ की बाउंड्रीज भी ठीक ठाक साइज की है, एकदम छोटी बाउंड्रीज नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा खासा मैच आपको दिखेगा, यहाँ पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, बॉल यहाँ पे पड़ने के बाद कांटा बदलेगी। इसका मतलब क्या, समझो यहाँ से एक बॉलर बॉलिंग करा रहा है ठीक है एंगल के साथ, तो यहाँ से बॉल पड़ने के बाद ऐसे सीधी निकलती है ना कहीं कहीं, तो यहाँ पे बॉल पड़ने के बाद ऐसे अंदर की तरफ आएगी। तो आपको यहाँ पे बॉल लीव करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बॉल पड़ने के बाद अंदर आएगी, तो आप ऐसा नहीं कि स्टंप पे बॉल आ रही हो आप लीव कर दो, तो आपको चीजें ध्यान रखनी है ठीक है। यहाँ पे ये होता है ऐसे पिचेस के ऊपर, हरी भरी पिच एकदम बढ़िया शानदार पिच है। यहाँ पे बात करेंगे आप किसकी, यहाँ पे किस तरह से विकेट्स गिरते हैं यहाँ पे ना, लास्ट दो मैचेस के अंदर क्या कहानी रही थी। यहाँ पे 2019 के अंदर दो मैचेस हुए थे, एक हुआ था फैब के अंदर, एक हुआ था नवंबर के अंदर ठीक है। नवंबर के अंदर हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ में, फैब के अंदर हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ में, ये भी याद रखना पड़ता है दोस्तों आपके लिए, इतनी मेहनत शिद्दत से कवर करते हैं हर चीज़ को। तो आप देखो क्या हुआ, दो मैचेस के अंदर यहाँ पे पेसर्स ने जो तेज गेंदबाज होते हैं ना उन्होंने 44 विकेट निकाले हैं। स्पिनर्स कहाँ पे यार, स्पिनर्स सिर्फ 3 विकेट है, तो आप समझ लो यहाँ पे स्पिनर्स के लिए मतलब कि खत्म सा मामला है पूरा। कुछ अनहोनी हो जाए स्पिनर्स से एक आध दो विकेट निकाले ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से स्पिनर्स का इतना बोलबाला नहीं रहना चाहिए। लास्ट मैच के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, 20 विकेट यहाँ पे तेज गेंदबाजों ने निकाला था और एक विकेट यहाँ पे स्पिनर ने निकाला था। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो पेसर्स रहेंगे डोमिनेट करेंगे, बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस रहेगी, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे सनी वेदर रहेगा, कौन से डे पे, डे 2 पे, डे 4 पे और डे 5 पे, पर डे 1 और 3 पे यहाँ पे क्लाउडी वेदर रहेगा, बारिश होने की आशंका है थोड़ी सी, पर मेरे को लगता है पूरा मैच दिखेगा क्योंकि ये 5 दिन का टेस्ट मैच है, ऐसा नहीं कि 3 या 4 दिन का टेस्ट मैच होगा। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत करते हैं शिद्दत से। मैं लगा हुआ था दोस्तों यहाँ पे करीबन 12 से 13 घंटे लगे इस मैच को पूरी डिटेल्स निकालने में, आप कहोगे
यार क्या बात कर रहे हो यार, 12 से 13 घंटे कैसे लग सकते हैं। अभी आपको नीचे पता लगेगा कि किस तरह के स्टैट्स हैं यहाँ पे, किस लेवल पे अपन जाते हैं, कितने डेप्थ के अंदर अपन चीज़ों को कवर करते हैं। मतलब एक स्टैट निकालने जाते हैं ना तो एक और स्टैट्स मिल जाता है, फिर उसके अंदर एक और मिल जाता है, ऐसे चेन बन जाती है एक पूरी। तो यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है, दोनों टीम्स ने ना 2017 से लेकर 2020 तक सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं। उसके अंदर न्यूजीलैंड दोनों मैचेस जीती थी क्योंकि उनकी होम सीरीज थी, होम सीरीज मतलब कि न्यूजीलैंड के अंदर मैचेस हुए थे। यहाँ पे बात करते हैं किसकी लाइनअप्स का रहने वाली है। तो सबसे पहले न्यूज़ बताऊँ आपको, क्या न्यूज़ है यहाँ पे, कॉलिन डी ग्रोंडे में नहीं खेलने वाले, सब जानते हैं, साधारण सी बात है। यहाँ पे बड़ी चीज़ क्या है, विल यंग ओपन करेंगे। अभी आधे घंटे पहले यहाँ पर केन विलियमसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वहाँ पे बताया था भाई साहब ने कि मैं यहाँ पर विल यंग को चांस दूंगा ओपन करने का, वो ओपन करेंगे कंफर्म है, लगभग कोई इंजरी ना हो जाए तो, मतलब प्रैक्टिस सेशन के अंदर ये खेलने वाले हैं, ओपनिंग करेंगे यहाँ पे टॉम लैथम के साथ। और यहाँ पे टॉम ब्लंडन ओपनिंग ना करके ये नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे। विजय वटलिंग अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, आपको पता रहेगा फॉर ट्रॉफी के अंदर वो खेलते थे किसके लिए, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, वहाँ पर उनको इंजरी हो गई थी, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए वो खेल रहे थे तब, आपको ध्यान देनी है। फिर आएंगे यहाँ से ओपनिंग करते हुए टॉम लैथम, फिर यहाँ से आएंगे विल यंग, राइट हैंडेड है, फिर आएंगे केन विलियमसन द कंसिस्टेंट परफॉर्मर, फिर आएंगे यहाँ से रॉस टेलर, हेनरी निकल्स, टॉम ब्लंडन, फिर आएंगे यहाँ से मिचेल सैटन, पे डाउट है, कहा जा रहा है कि स्क्वाड के अंदर तो नहीं है पर ये टीम के साथ बने हुए हैं वहाँ पे। इवन कल जो उनका फोटो शॉट आउट हुआ था उसके अंदर भी भाई साहब थे वहाँ पे, तो मेरे हिसाब से खेलने चाहिए। स्क्वाड के अंदर पता नहीं नाम क्यों नहीं लिख रखा था इस भाई का, थोड़ा सस्पेंशन पे बना हुआ है। इवन जो बड़े बड़े यहाँ पे कमेंटेटर्स होते हैं, जो ग्राउंडसमैन होते हैं, खुद बोल रहे हैं इस पे सस्पेंशन क्यों बना रखा है भाई ने। यहाँ से आएंगे ट्रेंट बोल्ट, फिर आएंगे यहाँ से काइल जिमसन राइट आर्म फास्ट मीडियम, फिर आएंगे यहाँ से टिम साउदी राइट आर्म फास्ट मीडियम, फिर आएंगे नील वैगनर राइट आर्म, आई थिंक ये लेफ्ट आर्म, आपको पहले बता दूं नील वैगनर लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है लाइक ट्रेंट बोल्ट, पर ट्रेंट बोल्ट थोड़ी तेज बॉलिंग कराते हैं, नील वैगनर अपनी शॉर्ट बॉल से परेशान करते हैं। बेंच के ऊपर रहेंगे एजाज पटेल, विजय वटलिंग, डेवन कॉनवे। यहाँ पे बात करते हैं वेस्ट इंडीज की, बड़ी सॉर्टेड प्लेइंग 11 लग रही है यहाँ पर। किराग ब्रेथवेट क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे जॉन कैंपेल के साथ, यहाँ पे दोस्तों भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, लेफ्टी बैटिंग करते हैं। फिर आएंगे यहाँ से डैरेन ब्रावो, ये दोस्तों बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी। शरम ब्रुक्स आएंगे टैलेंटेड, जर्मी ब्लैकवुड भी टैलेंटेड है, रॉस्टन चेस कंसिस्टेंट परफॉर्मर, जो ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, राइट ही बैटिंग करते हैं, जसन होल्डर यहाँ पर राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। फिर आएंगे यहाँ से शेन डॉरिसन के विकेट कीपर, कप्तान साहब होल्डर, वहाँ पे केन विलियमसन, काटेगी टक्कर, बहुत ही काम कप्तान दोनों। यहाँ से आपको दिखेंगे गैब्रियल आउट ऑफ फॉर्म, केम आरोज भी आउट ऑफ फॉर्म, अल्जारी जोसफ भी आउट ऑफ फॉर्म, यहाँ पे रिप्लेस का हो सकता है कि अल्जारी जोसफ के बदले केमार होल्डर को खिलाया जा सकता है। मेरे हिसाब से जो केमार होल्डर है ना जो ज़्यादा बेटर बॉलर मुझे लगा, इसके पास स्पेस और रॉ टैलेंट है। यहाँ पे बात करेंगे किसकी प्रैक्टिस मैचेस के, आपको पता लग जाएगा क्यों कह रहा था मैं यहाँ पे केमार होल्डर को खिलाना चाहिए। यहाँ पे पहले बात करते हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे कौन से, न्यूजीलैंड ए वर्सेज वेस्ट इंडीज के, एक हुआ था 20 तारीख को जॉन डेविस स्टेडियम पे, फिर एक हुआ था उसी पे 26 तारीख को। डेट भी याद रहती है दोस्तों, यहाँ पे हर चीज़ दिमाग में फिट कर रखी है, डाटाबेस बना लिया पूरा क्रिकेट का। तो आप देखो न्यूजीलैंड ने यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर्स खेले थे जो अभी करंटली न्यूजीलैंड के स्क्वाड के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे विलियंग ने क्या करा था, पहले मैच में 27 करा, फिर 64 नॉट आउट, फिर ये दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भाई ने 133 की पारी खेली थी, इसलिए तो उनको कॉल अप मिला है। हेनरी निकल्स ने 76 की पारी खेली, उसके बाद भाई ने एक बैटिंग नहीं करी थी और चला गया था कहाँ पे, फॉर ट्रॉफी खेलने। फिर आएंगे यहाँ से वेस्ट इंडीज़ की तरफ से किराग ब्रैथवेट, 47 246, 2 विकेट भाई ने, भाई क्या ही खिलाड़ी है, अलग खिलाड़ी है भाई की बात अलग है, टीम का एकदम फेवरेट खिलाड़ी है मेरे लिए, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर। पहले मैच में भाई साहब को कैप्टन बनाया था मैंने, जो पहला प्रैक्टिस मैच है ना तो 47 रन करा, दूसरे मैच में होल्डर को बना दिया था भाई 246 कर गया, नाराज हो गया था मेरे से। फिर आएंगे यहाँ से जॉन कैंपेल, इनका 4 है 45 है, इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं रहे अभी तक, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अटकेंगे यहाँ पे टीम साउदी ट्रेंड बोल जैसे गेंदबाज आएंगे तो। फिर आएंगे यहाँ से डैरेन ब्रावो, 135 93, ये दोस्तों खिलाड़ी थोड़ा अलग है, बात अलग है भाई की, हिटर अपने डीजे ब्रावो के भाई, बड़ी बात होती है दोस्तों, ऐसे खिलाड़ी है ना मतलब कि एक डिकेड के अंदर होते हैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर, दो भाई इतने कंसिस्टेंट परफॉर्मर, एक T20 का मास्टर डैरेन ब्रावो, T20 ODI टेस्ट सबका मास्टर। यहाँ से आएंगे ब्रुक्स, 80 और 5 यहाँ पे करा था, रोशन चेस 42, दूसरे टेस्ट मैच में खेले नहीं थे प्रैक्टिस मैचेस के अंदर। यहाँ से जर्मी ब्लैकवुड ने 8 53, शेन डोरिस दोस्तों वही इनकी दिक्कत है, पहले बता दो शेन डोरिस को नील वैगनर 102% शॉट बॉल टारगेट करेंगे, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है बॉल को पुल नहीं कर पाते हैं। यहाँ से आएंगे होल्डर साहब, 24 एक विकेट है। केमा रोच थोड़ा सा वही देख के निराशा लग रही है, वही जो उन्होंने स्टार्ट करा था इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज हुई थी ना उसके अंदर, उसके अंदर इस भाई ने स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस में विकेट ही नहीं निकाले थे। आएंगे यहाँ से गैब्रियल, 0 1 विकेट, केमार होल्डर के सबसे सक्सेसफुल बॉलर मुझे लगे, 3 विकेट फिर 1 विकेट, इसको खिलाना चाहिए अल्जारी जोसफ के बदले, इस फार मच बेटर देन अल्जारी जोसफ केमार होल्डर। यहाँ पे बात करते हैं जब दोनों टीमें आपस में खेली तब क्या हुआ, ठीक है। यहाँ से आप देखो 10 मिनट तो यहाँ पे किस में खींच गए,
आपको स्टार्टिंग की चीज़ें बताने के अंदर, आपको मुनाफिस कराने से हर चीज़ को लेके, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है। यहाँ से न्यूजीलैंड की तरफ से आपको दिखेंगे टॉम लैथम। जब टॉम लैथम ना वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में खेलते हैं, ठीक है, अपन बात कर रहे हैं हेड टू हेड मैचेस की। जैसे समझ लो आपकी एक टीम है, मेरी एक टीम है, अपन दोनों के बीच में मैचेस होते हैं, तो क्या होता है? तो आप देखो टॉम लैथम ने 5 मैचेस खेले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में, 369 रन करें, हर्ष भाई का 83 है, 41 की एवरेज है, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर। रिसेंट फॉर्म देखो, ये भी लाया हूँ दोस्तों, मैं पहुँच गया प्लंकेट शील्ड ट्रॉफी के अंदर। आपको पता रहेगा जो चलती है न्यूजीलैंड के अंदर डोमेस्टिक, जैसे अपने यहाँ रणजी चलती है, आपको पता रहेगा इसी तरह यहाँ पे चलती है कौन सी प्लंकेट शील्ड। तो उसके अंदर देखो क्या करा था भाई ने, 3 मैचेस खेले थे है ना कैंटरबरी के लिए, मैं आपको ये भी बता दूँ, 208 रन बनाए भाई ने, 52 की एवरेज थी, कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। फिर आएंगे यहाँ से विल यंग, इनका कैसा परफॉर्मेंस आप देखो, 3 मैचेस के अंदर 66 की एवरेज थी, 199 रन से अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इस भाई का भी। ये खेलते थे सेंट्रल स्टेक के लिए, स्टैक कह लो फिर डिस्ट्रिक्ट कह लो एक ही बात है, तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिए थे वहाँ पे, तो उनका रिसेंट फॉर्म अच्छा चला है। ग्रैंड लीग के अंदर विल यंग भी बनते हैं। यहाँ से आएंगे केन विलियमसन, 9 मैचेस के अंदर 48 की एवरेज है, 700 प्लस रन है वेस्ट इंडीज के खिलाफ में, 161 नॉट आउट इसकी सबसे बड़ी पारी है, और ये एक्सेलेंट रहता है दूसरी पारी के अंदर। ठीक है, AXC का मतलब हो गया, मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आज पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि AXC का मतलब होता है एक्सीलेंट, और ये सेकंड मतलब कि दूसरी पारी में इंपॉर्टेंट रहा है। मैंने हर प्लेयर के आगे मोस्टली लिखा है जो मुझे लगे कि ये दूसरी या पहली पारी के अंदर थोड़ा सा इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ऑस्ट्रेलिया रहेंगे पे 12 मैचेस के अंदर भाई की 68 की एवरेज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, सिलेक्शन परसेंटेज भाई का नीचे गिर चुका है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी मैं कह सकता हूं। क्यों? रिसेंट फॉर्म देखो, 3 मैचेस में सिर्फ 125 रन है, 25 की एवरेज थी, थोड़ा सा अटके थे वहां पे। अच्छा खिलाड़ी दोस्तों, मैं बैक करूंगा इनको, और इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ में क्या करा है, 12 मैचेस के अंदर 1000 के आसपास रन से 217 का हाईएस्ट है। पहली पारी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पहली पारी मतलब कि जब ये पहले बैटिंग करता है ना तब, और दूसरी पारी के अंदर जब बैटिंग करे तो भी आप लेना ही उस भाई को, मेरे हिसाब से बड़ा खिलाड़ी है। आप फिर देखो हेनरी निकल्स आएंगे यहाँ से, 2 मैचेस के अंदर 28 के एवरेज है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में, 85 रन है, 67 है रिसेंट फॉर्म देखो, 1 मैच के अंदर 87 की एवरेज, और अभी प्रैक्टिस मैचेस में 76 करके आ रहा है, बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर, बहुत अच्छे टच में। यहाँ से आएंगे टॉम ब्लंडन, 2 मैचेस में 68 की एवरेज, 136 रन है, 107 नॉट आउट इसकी सबसे बड़ी पारी। इस टीम के अगेंस्ट में भाई ने शतक भी जड़ रखा है, बड़ी बात होती है, अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों, टेक्निक भाई की बहुत अच्छी है। फिर आएंगे यहाँ से रिसेंट फॉर्म देखो, 4 मैचेस में 162 रन से इस भाई के, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं ना, 3 मैचेस के अंदर 125 रन, इसके 4 में 162, मतलब दोनों का अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक ठाक खिलाड़ी है दोस्तों ये भी। यहाँ से आपको क्या ध्यान देना, ये जब पहली पारी के अंदर बैटिंग करते हैं ना तो इस भाई की सिर्फ 28 और 1 की एवरेज है, पहली पारी में 28 की एवरेज, फिर तीसरी पारी के अंदर आता है तो 1 की एवरेज। आपको बताया जो बैट्समैन पहली पारी के अंदर बैटिंग करता है तो तीसरी पारी के अंदर बैटिंग करने वही आएगा, तो आप देखो दूसरी पारी में क्या हुआ इस भाई का, अब 54 की एवरेज है, चौथी पारी में 69 की एवरेज है। तो ये जब बैट सेकंड करती है ना, मतलब कि न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कराती तब ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से आएंगे मिचेल सैटनर, नोट्स बना लो दोस्तों, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ग्रैंड लीग चाहिए मेरे को इस मैच के अंदर आपसे, वीडियो मैं बना रहा हूँ, टेस्ट मैचेस कोई कवर करेगा नहीं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपका भाई करता है यहाँ पे। आप देखो मिचेल सैटनर 2 मैचेस के अंदर 22 की एवरेज है, 67 रन है, 26 है, 3 विकेट, ठीक ठाक परफॉर्मेंस मैं कहूँगा, इतने इंपॉर्टेंट शायद ही रहेंगे, शायद इतने मेरे को लग नहीं रहा है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता इतने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। यहाँ से आएंगे ट्रेंट बोल्ट, 9 मैचेस में 43 विकेट है, इंपॉर्टेंट है। काइल जेम्स का रिसेंट फॉर्म देखो यार, अलग लेवल का खिलाड़ी दोस्तों, मतलब भाई ने आग लगा दी थी प्लंकेट शील्ड के अंदर, अकलैंड के लिए खेलते थे, 3 मैचेस में 20 विकेट, यार कौन निकालता है 3 मैचेस के अंदर 20 विकेट, हर मैच के अंदर 5 निकाल रहे थे यार, अलग खिलाड़ी है दोस्तों भाई की बात अलग है, काइल जेम्सन भाई खिलाड़ी अलग है, बनेगा दोस्तों सुपरस्टार मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर, 77 रन, हाइट अच्छी है भाई की, हाइट का अच्छे से यूज़ करता है काइल जेम्सन। फिर आएंगे यहाँ से टीम सऊदी, 8 मैचेस के अंदर 36 विकेट है, रिसेंट फॉर्म देखो, 3 मैचेस के अंदर 14 विकेट, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका भी। ये सेंट्रल आई थिंक ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते थे, ठीक है, अभी जो प्लंकेट शील्ड हुई थी, जैसे अपने यहाँ पर रणजी के अंदर होता है ना यार, वडोदरा दिल्ली इस तरह से चलता रहता है, तो यहाँ से आपको देखेंगे फिर नील वेगनार, 8 मैचेस के अंदर 31 विकेट है, और ये पहली पारी के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, और रिसेंट फॉर्म देखो, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 मैचेस के अंदर इन्होंने ऐसे निकाले थे अभी हाल ही के अंदर। बेंच के ऊपर रहेंगे दो खिलाड़ी, यहाँ पे बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कौन इंपॉर्टेंट रहता है, आप खुद देखो यहाँ पे किराग ब्रैथवेट की 5 मैचेस के अंदर 52 की एवरेज है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, तो मतलब यार 5 में 52 की एवरेज बड़ी बात होती है, 500 के आसपास रन है न्यूजीलैंड के खिलाफ में, 129 इसका हाईएस्ट रहा है। यहाँ से आएंगे जॉन कैंपेल, इतने इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहे यहाँ से बेल भाई साहब, और ये पहली पारी के अंदर जब बैटिंग करना थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रहती है वरना मत लेना। यहाँ से आपको दिखेंगे डेरिन ब्रावो, 5 मैचेस के अंदर 450 रन खिलाड़ी दोस्तों, भी अलग है हटके खिलाड़ी है, 218 इसका हाईएस्ट है अभी हाल ही के अंदर, भाई ने शतक जड़ा, फिर दूसरे मैच में 93 पे आउट हो जाता है, मतलब कि यार कितनी मेहनत करके आया बंदा,
कंसिस्टेंट परफॉर्मर, फिर आएंगे ऐसे ब्रुक्स, इस टीम के अगेंस्ट में खेले नहीं है। इनका दोस्तों बैकलिफ्ट बहुत अच्छा है, टेक्निक वाइज अच्छी है, तो चल सकते हैं। जगह आप यहाँ से डेरेन ब्राउ को हटाते हो या फिर आप यहाँ से क्रार्क ब्रैथवेट को हटाते हो, तब आपको एक दो टीम में ट्राई कर लेना है, या फिर तीनों को ले लेना। बैटिंग सर्फेस रहेगी, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो यहाँ से आएंगे जर्मी ब्लैकवुड। 63 की एवरेज, एक मैच उन्होंने खेला था, 63 रन करे थे। दूसरी पारी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको पता रहेगा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो सीरीज हुई थी उसके अंदर भाई ने पहले मैच के अंदर चेस करते हुए ही बनाया था, तो चेस करते टाइम इंपॉर्टेंट रहता है दूसरी पारी के अंदर जब बैटिंग करता है। फिर आएंगे सर ऑस्टन चेस, आई थिंक इस भाई ने दो मैचेस खेले उसके अंदर 25 के एवरेज है, ठीक है। ये 5 आपको हटा देना है, ऐसे मैं उसको ऐसे करेक्ट कर देता हूँ, ये देखो ठीक है। दो मैचेस के अंदर भाई की 25 की एवरेज है, 99 रन है, 4 विकेट, अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा था भाई का, एक्सेलेंट है। पहली पारी के अंदर जब ये बल्लेबाजी करते हैं, फिर आएंगे होल्डर साहब, दूसरी पारी के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है, ठीक है। दो मैचेस के अंदर 24 की एवरेज है, 97 रन्स है, और इनका बहुत ही ख़राब दौरा गया था, कब, जब ये पिछली बार 2017 के अंदर न्यूजीलैंड आए थे, मतलब कि भाई अलग ही लेवल पे परफॉर्मेंस है। दो मैचेस में सिर्फ 3 विकेट है, 97 रन्स है, मतलब कि ये कोई यंगस्टर भी आके इतना रन बना जाता, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा होल्डर साहब इसको इम्प्रूव करें। फिर आपको देखेंगे ऐसे सेंट डोरिस, दो मैचेस के अंदर 14 की एवरेज, ठीक है, 56 रन सब आएंगे, आज 25 है। पहली पारी के अंदर बैटिंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट रहते हैं। आएंगे गैब्रियल साहब, ये पहली पारी में बॉलिंग कराते हैं तो इंपॉर्टेंट है, सेम फॉर केम मॉरिस, ज़्यादातर होता है यार नॉर्मली जो बॉलर्स रहते हैं ना उनको पहली पारी के अंदर बॉलिंग कराने में ज़्यादा मजा आता है, विकेट एकदम बढ़िया फ्लैट रहता है, बाउंस मिलता है अच्छा खासा। 5 मैचेस में 13 विकेट है न्यूजीलैंड के खिलाफ में, केम मॉरिस के 7 मैचेस में 33 विकेट है, ठीक है। अलदारी यूसुफ नहीं खेला, आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बात करते हैं जब इस वैनी के ऊपर मैचेस में सेटन पार्क हैमिल्टन पे तो क्या हुआ है। टॉम लेथम ने यहाँ पे 6 मैचेस खेले, 49 के एवरेज है, 490 रन है, 160 रन का हाईएस्ट रहा यहाँ पे दोस्तों, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में स्वैनी के ऊपर क्या, अगर आप सोचो देखो यार, एक तो वैनी शॉट्स निकालना, फिर उसके ऊपर से निकालना कि इस टीम के अगेंस्ट में यहाँ पर क्या करा है इस भाई ने, इस टीम के अगेंस्ट में स्वैनी के ऊपर भाई ने एक मैच के अंदर 44 रन बनाया था, 22 के एवरेज, सिविलियन दोस्तों स्वैनी पे खेले नहीं है इंटरनेशनली, तो यहाँ से आएंगे फिर केन विलियमसन, 9 मैचेस के अंदर 76 के एवरेज, स्वैनी को बहुत पसंद करते हैं, 987 रन है। टॉप 2 रन स्कोरर्स कौन है स्वैनी के ऊपर, एक तो है रॉस टेलर और दूसरे नंबर बात है केन विलियमसन, यहाँ पे दोस्तों भाई ने बना रखा है, बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है, सब जानते हैं। इस वैन्यू के ऊपर आप देखो वेस्ट इंडीज के खिलाफ में क्या करा है, 2 मैचेस के अंदर 200 प्लस रन है, 53 की एवरेज, लेकिन शॉकिंग चीज़ क्या थी भाई की, सिर्फ हाईएस्ट 58 था यहाँ पे, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में, अपन देखते हैं तो स्वैन्यू के ऊपर, वरना यहाँ पे 200 रन धर चुके हैं भाई ने, अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों। फिर आएंगे यहाँ से रॉस टेलर, 12 मैचेस में 1000 के आसपास रन, 56 के एवरेज, कप्तानी के लिए प्रबल दावेदार, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ यहाँ पे 2 मैचेस के अंदर 256 रन करें, मतलब कि यार अलग लेवल का खिलाड़ी है। कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे यार केन विलियमसन को लेकर बैठ जाऊँगा, रॉस टेलर को हटा दूंगा, ऐसा मत करना, थोड़ा सा मैं मानता हूँ आउट ऑफ फॉर्म है, हर टीम में मत लेना, वो थोड़ी सी दिक्कत है यार यहाँ पे आउट ऑफ फॉर्म इनकी, मेरे को थोड़ा सा इशू लग रहा है, वरना मैं परफेक्टली इनको लेता, शायद वाइस कैप्टन भी बना देता, देखते हैं, बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों। फिर आएंगे ऐसे एंड्रे निकल्स, 5 मैचेस के अंदर 126 रन है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ यहाँ पे 1 मैच के अंदर 18 करा था। आएंगे टॉम ब्लंडल, यहाँ पे 28 और 1 करा था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में। और यहाँ पे आएंगे मिचेल सैटनर, इस वैन्यू के ऊपर आप देखो 5 मैचेस के अंदर 172 रन है, 6 विकेट है, तो मैं कह सकता हूँ बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है यार 5 मैचेस के अंदर, मतलब कि 5 मैचेस मतलब कि 2 बार सब खेलने आते हैं, आपको पता है कि टेस्ट मैचेस में 2 बार चांस मिलता है, तो 10 मैचेस में भाई ने सिर्फ 6 विकेट निकाले अपन कह सकते हैं 10 इनिंग्स के अंदर। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में 50 है और 1 मैच के अंदर 2 विकेट है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। यहाँ से आएंगे ट्रेंट बोल्ट, 4 मैचेस के अंदर 19 विकेट है यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, यहाँ पे 2 मैचेस में 11 विकेट है, तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। यहाँ से आएंगे टीम साउदी, 9 मैचेस के अंदर 46 विकेट है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में 2 मैचेस में 11 विकेट। नील वैगनर का आप देखो यहाँ पे 7 मैचेस के अंदर 33 विकेट है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा, अपन ये नहीं कह सकते खराब परफॉर्मेंस है, ठीक है। रिसेंटली इन्होंने 19th ऑफ अक्टूबर को खेला था यहाँ पे, टीम बता दो आपको, चलो यहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस मैच हुआ था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट 19 अक्टूबर को, तो इस भाई ने वहाँ पे 3 विकेट निकाले थे। फिर आएंगे यहाँ से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में स्वैनी के ऊपर, 2 मैचेस में 8 विकेट है। और जब ये लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में यहाँ पे खेला था ना, एक तो इस भाई ने खेला था इंग्लैंड के खिलाफ में 2019 के अंदर नवंबर के टाइम पे, एक खेला था फैब के अंदर 2019 के अंदर, तब इस भाई ने यहाँ पे दोनों मैचेस के अंदर 5 फॉर निकाला था, ठीक है। ग्रैंड लीग के अंदर बहुत अच्छे पिक बनता है, नील वैगनर अपने शॉर्ट बॉल के लिए फेमस है। यहाँ पे किराग ब्रेथवेट की 2 मैचेस में 138 रन है, रोशन चेस के यहाँ पे 1 मैच के अंदर 2 विकेट, 76 की पारी। फिर आएंगे यहाँ से शेन डॉरिच, 1 मैच के अंदर सिर्फ 35 रन है। गैब्रियल साहब के यहाँ पे 1 मैच के अंदर 6 विकेट है। केम मॉरिस के यहाँ पे 1 मैच में 3 विकेट है, 49 रन है। प्लेयर बैटल की बात करते हैं जल्दी से, अपन वीडियो को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, लगभग 20 मिनट का वीडियो बन चुका है यार। टॉम लेथम देखेंगे आपको यहाँ से, इनका स्ट्रगल बनता है यार केम मॉरिस के सामने, और यहाँ पर आप देखो 4 बार आउट हुए, आप खुद देख सकते हो यार यहाँ पे, यहाँ से केन विलियमसन है, इनका स्ट्रगल रह रहा है केम मॉरिस के सामने, थोड़ा सा परेशान करते हैं। केम मॉरिस एक टाइम पे बहुत डिस्ट्रक्टिव बॉलर हुआ करते थे 2017 से पहले, अब थोड़ा सा उनका फॉर्म खराब हुआ है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ सर्जरी वर्जरी कराई थी अपने पाँव की, और आई थिंक
थोड़ा सा उनको वहाँ पे दिक्कत हुई है रन अप वगैरह में, और शोल्डर की आई थिंक हुई थी, दो जगह पे हुई थी। फिर आएंगे यहाँ से कौन, होल्डर साहब, इनको ODI के अंदर आउट करें, टेस्ट मैचेस में आज तक आउट नहीं करें, 52 बॉल के अंदर 3 बार आउट कराएंगे रॉस टेलर, इनका स्ट्रगल रहता है केमर रोज के सामने, 4 बार आउट हुए। फिर आएंगे मिचेल सैटनर, ये गैब्रियल के सामने जाते हैं, रोस्टन चेस के सामने जाते हैं, रोस्टन चेस ऑफ स्पिनर है, मिचेल सैटनर लेफ्टी है। यहाँ से किराग ब्रैडफोर्ड, देखो ट्रेंट बुल के सामने अटके थोड़ा सा, 247 बॉल के अंदर 4 बार आउट हुए, 89 रन बनाए भाई ने। और नील वैगनर अपनी शॉर्ट बॉल से सबको परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, आप खुद देखो, नील वैगनर एक बड़ा नाम हो सकता है, स्पेशली जो टैलेंटेड बैट्समैन होते हैं ना नीचे वाले, उनको अच्छा खासा परेशान करते हैं अपनी शॉर्ट बॉल से। तो ग्रैंड लीग के अंदर यहाँ पे नील वैगनर अच्छे खासे पिक बनते हैं। डेरेन ब्राउ को भी नील वैगनर अपनी शॉर्ट बॉल से आउट करा, टीम साउदी ने आउट करा है, रोशन चेस नील वैगनर के सामने 27 बॉल के अंदर 2 बार आउट हुए, और होल्डर साहब भी नील वैगनर के सामने 53 बॉल के अंदर 2 बार आउट हुए, और शेन डॉरिज को भी नील वैगनर ने ही परेशान करा है, 31 बॉल के अंदर 3 दफा आउट करा है। तो मैं कह सकता हूं शेन डॉरिज और नील वैगनर का यहां पे कांटा भिड़ने वाला अच्छे से, शॉर्ट बॉल उनको बहुत दिक्कत है डॉरिज को, और अपने नील वैगनर शॉर्ट बॉल के मास्टर है। कॉमन कैप्टन दिखेंगे आपको केन विलियमसन, किराग ब्रैथवेट आपको ग्रैंड लीग के अंदर किसको बनाना है, केन विलियमसन पहले नंबर पे आते हैं, किराग ब्रैथवेट दूसरे नंबर पे, टॉम लैथम तीसरे नंबर पे, फिर आपको डेरेन ब्राउ को ट्राई करना है, नील वैगनर को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, टीम साउदी को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, और विलियम को एक दो टीम में कैप्टन जरूर बनाना है, क्योंकि सेम टीम थी वेस्ट इंडीज की जिसके सामने भाई ने यहाँ पे कितने की पारी खेली थी आपको बताओ, ये देखो आप यहाँ पे कितने की पारी खेली थी भाई ने, 27, 64, 133। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, आपकी बिना दोस्तों में कुछ नहीं है, तो जरूर मैं खाऊंगा हमेशा की तरह। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों शेयर करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा इन डेप्थ। ये 200 फाइनल टीम रहने वाली है मेरी लगभग, मैंने आपको पूरा बता दिया किसको आपको ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना है, जिसने वीडियो आई थिंक स्किप करके देखा है उसको स्टार्टिंग से देखना यार, मजा जाएगा मैं कसम से कह रहा हूँ, भाई की रिस्पेक्ट करते हो दोस्तों, वीडियो स्टार्टिंग से देखना है। यहाँ से केन विलियमसन कप्तान, यहाँ से किराग ब्रैथवेट कप्तान, टेलर साहब, लैथम जी, यहाँ से डेरेन ब्राउ, होल्डर, यहाँ से ट्रेंट बुल, जिनसन, यहाँ से टीम साउदी, गैब्रियल, टॉम ब्लिंडल, आप यहाँ से स्टैंड ओरिज को लेके जा सकते थे। नील वैगनर ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना है, एक फिर अपने कौन होते हैं शमर ब्रुक्स, उनको भी ट्राई करना दोस्तों, रेस्टोरेंट चीज भी अच्छे पिक है। आपको करना क्या, सिंपली सर्च कर लेना अर्जेंट स्टार्ट गुरु जी, 49,000 चैनल मिल जाएगी, या फिर मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो मिलता है टेलीग्राम के ऊपर, देखते रहिए स्टार्ट गुरु जी।